कि मैं पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता। मुझे आज मुझे शर्म आती है बीजेपी पर। मैं खुलकर बोल रहा हूँ कि अगर गुंडे को टिकट देते तो गुंडे को वोट दें, हम माफिया को टिकट देते तो हम माफिया को वोट दें। और बात करें हिंदू राष्ट्र की, ये बेईमानी को हम से हिंदू राष्ट्र में, आप हिंदू राष्ट्र की मांग में क्या दिक्कत है? जो क्यों नहीं है दिक्कत है, जो क्यों दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? बोल रहे ना कि एक समान हो जाएगा सब कुछ। क्यों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होता है एक समान? हिंदू राष्ट्र में कैसे एक समान हो गया? बोल रहे ना हिंदू खतरे में। उनके बोलने से क्या होता है? संघ परिवार के 50 संगठन गहरे तक रहा हूँ, बता दूंगा आपको। संघ परिवार के, संघ की बैकग्राउंड से काफी गहरे तक रहा हूँ। आज मैं अपने भागवत जी से पूछना चाहता हूँ कि बात बात पर वो संस्कारों की दुआई देते हैं, इस विषय पर क्या बोल रहे हैं वो बताएं। भागवत जी बताएं सीधा, क्या 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 आपका स्टेटमेंट है, कितने साथ खड़े हैं आप? ये किसान कानून लाए वो बहुत शानदार था, अरे इन्होंने वापस लिया वो बहुत मास्टर स्ट्रोक था। आज जो सब चल रहा है चुप है सब, और जिस दिन अगर ये इन्हें गिरफ्तार करना पड़ गया, वाह मोदी जी ने नारियों के सम्मान में, और फिर तो कोर्ट का गली गली जुलूस निकालेंगे, एक जुलूस निकालने को तैयार बैठे रहते हैं ये। लेकिन जनता तो समझ गई है ना, जनता को समझ, मुझे डर है समझ, जनता नहीं समझ, बड़ी मूर्ख जनता है। मुझे माफ, पीटना मत भाई, मुझे पीटना मत लोगों को। हाँ, लेकिन जनता के मामले में यही है। सर क्या नाम है? नमस्कार, मैं जगत प्रकाश गाजियाबाद से आया हूँ। पहली बात तो आपको ये स्पष्ट कर दूंगा, मैं जाट नहीं हूँ। ये जो आरोप लग रहे हैं उनको खारिज कर रहे हैं, मैं हरियाणा से नहीं हूँ। तीसरा, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूँ। अच्छा, बीजेपी के कार्यकर्ता। मुझे आज मुझे शर्म आती है बीजेपी पर। मैं खुलकर बोल रहा हूँ, गाजियाबाद में मेरे हजारों लोग जानकार हैं, आज वो देख रहे होंगे अगर। यानी कि एक बेटी के लिए कितना मुश्किल होता है कि अपने साथ अगर कुछ दुर्व्यवहार हुआ हो उसको बोलना भी। कोई कहता है तब नहीं बताया, कोई कहता अब नहीं बताया। अरे शर्म आनी चाहिए, तो डूब मर रही हम लोगों को। एक बेटी को आज यहाँ पर खड़े होना पड़ रहा है और हम उस जमीन में निकाल रहे हैं। ये केस 10 बरस का पुराना, या तो मुझे ये लगता है तो ऐसे स्पष्ट करना पड़ेगा सर, आपको कैसे बताना पड़ेगा आगे कि हम जाट नहीं है, इतने आरोप लगाए। अच्छा मैं कह रहा हूँ, मैं जाट भी बताऊँ तो कि नहीं, ये क्या, ये तर्क क्या है? मतलब अगर मैं जाट हूँ तो मतलब गलत हो गया? ये मतलब क्या है इस बात का, ये मतलब क्या है इस बात का कि जाट को, अगर जाट का भी तो भी सही है? ये तो बाकी जातियों को या बाकी लोगों को सोचना चाहिए कि वो खड़े क्यों नहीं हो रहे, बजाय इनके कि इनसे सवाल किया जाए। या तो मुझे ये लगता है कि शायद कानून में ही प्रावधान कर दिया गया था, क्लियर नहीं हूँ मैं, कि ये कानून ब्रजभूषण सिंह जी पर लागू नहीं होता। अच्छा, क्योंकि पॉक्सो में तो ये है कि अगर शिकायत होती है तो गिरफ्तारी होगी। अब ये विचार विमर्श हो रहा है, तो मुझे लगता है कि कानून बनाते समय ये उसमें दर्ज कर दिया गया था कि ये जो कानून बनाया जा रहा है ये ब्रजभूषण सिंह जी पर माननीय है। इतने बाहुबली हो गए कि कानून उनके लिए नहीं होता, और हो सकता है इसमें कुछ और नाम भी है। तभी जब सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे अरेस्ट करो इसको, ये हमें लग रहा है कि इसको मोदी जी ना हटाएंगे, ना इसकी उनकी मोदी जी की पुलिस अंडर द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे अमित शाह जी के अंदर आते हैं, वो अरेस्ट नहीं करेंगे इसको। कहाँ कर रहे हैं? जब तक सुप्रीम कोर्ट, हमें लग रहा है फिर सुप्रीम कोर्ट जब तक नहीं कहेंगे इसको अरेस्ट करो, नहीं तो आप बताइए, इतना बड़ा संगीन आरोप है और लोगों को हमारे देश में जो इतने बड़े बड़े मेडलिस्ट हैं, ये कोई दे आर नॉट द कॉमन पर्सन, ये कॉमन पर्सन नहीं है। सोचो एक मेडल लेने में हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इतने गरीबी से, मैंने इतने नज़दीक नीचे से आए हैं, नीचे से ऊपर से कोई बात नहीं है, इतना टफ काम है, टफेस्ट काम है, ले आए हैं उसको FIR दर्ज कराने में इतनी मुशक्कत करनी पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आप सोचो हम लोग जो आम आदमी हैं, जिनकी बहू बेटियों को क्या क्या होता होगा, वो कौन सुनेगा बात भाई? ये देखिए सिर्फ मैडम जजमेंट होगा। एक सवाल सर, आप बीजेपी से हैं सर, आपने बताया कि पहले बीजेपी से थे? रहा था मैं, अब मैं, मेरी किसी पार्टी से कोई कमिटमेंट नहीं है। अभी यही जानना चाहेंगे कि आप बीजेपी से रह चुके हैं और अब जिस तरीके से बीजेपी का कोई जवाब नहीं आ रहा है, ऐसे ही काम करते हैं। ये स्पष्ट कर दूं, इससे कंफ्यूजन ना हो, अरसे से मैं किसी पार्टी से कोई कमिटमेंट नहीं है। ये मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुका था कि आगे से मैं कैंडिडेट देखकर डिसाइड करूंगा, ना कि ये कि अगर गुंडे को टिकट देते तो गुंडे को वोट दें, हम माफिया को टिकट देते तो हम माफिया को वोट दें। और बात करें हिंदू राष्ट्र की, ये बेईमानी को हम से हिंदू राष्ट्र में, आप हिंदू राष्ट्र की मांग में क्या दिक्कत है? जो क्यों नहीं है दिक्कत है, जो क्यों दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? बोल रहे ना कि एक समान हो जाएगा सब कुछ। क्यों धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होता है एक समान? हिंदू राष्ट्र में कैसे एक समान हो गया? बोल रहे ना हिंदू खतरे में। उनके बोलने से क्या होता है? और सुनिए, और मान ले तो इनके हिंदू राष्ट्र में क्या है, माफिया को खुली छूट मिलेगी बलात्कार करने की? चलिए माफिया राज का तो अंत कर रहे हैं ना, माफिया राज का तो अंत कर रहे हैं। माफिया राज को क्या कर रहे हैं? माफिया राज का अंत बता रहे हैं ना, कि मिट्टी में मिला देंगे। इनके बताने से तो बस पूछो, मैं अगर जो इनका बताना तो इन्हीं को मान लो। और मैं एक बात और है, ये क्या चीज है, हमारे साधु है जिन पर अभी लग रहा है, जो मान लो जो हमारी बेटियां और बहनें जो
अभी इस पर जो आरोप लगा रहे हैं ये क्या साधु है? अरे 38 केस है इस पर, ये खुलेआम ओपनली पब्लिक डोमेन में है कि मैंने एक मर्डर किया है। मैं बहुत कुछ बोलिए। बीजेपी आरएसएस से निकली हुई संघ परिवार का सदस्य है, संघ परिवार के 50 संगठन गहरे तक रहा हूँ, बता दूंगा आपको जी। संघ परिवार के संघ की बैकग्राउंड से काफी गहरे तक रहा हूँ। आज मैं अपने भागवत जी से पूछना चाहता हूँ कि बात बात पर वो संस्कारों की दुआई देते हैं, इस विषय पर क्या बोल रहे हैं वो बताएं, भागवत जी बताएं सीधा क्या 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 आपका स्टेटमेंट है, किनके साथ खड़े हैं आप? इससे पहले आपके चिन्मयानंद जी के साथ खड़े थे आप, उससे पहले कुलदीप सेंगर के साथ खड़े थे आप, राम रहीम के साथ खड़े रहे आप, आसाराम के साथ खड़े हैं आप, आप किनके साथ खड़े हैं, कौन से संस्कारों की बात कर रहे हैं? हमें बात पाठ पढ़ाया जाता है अनुशासन का, इनके यहाँ अनुशासन का मतलब ये है गूंगे बन जाओ, बोलो मत कुछ। अच्छा। जो ये जाहिल लोग कहें, इनके जाहिल मैंने इसलिए कहा इनके यहाँ वन वे ट्रैफिक है, एक एक घंटे तक बैठ के बौद्धिक पढ़ाते हैं और सब लोग सुनते रहते हैं संघ में। अच्छा। सवाल नहीं होता उसमें कहीं भी, तो इसीलिए आज भी आप अगर तमाम बीजेपी के लोगों को देखोगे सवाल सुनते ही तमाम खो देते हैं ये, क्योंकि इन मूर्खों को जवाब देना ही नहीं आता किसी बात पर। अब तो ब्रजभूषण ने भी बोल दिया कि अगर मेरी पार्टी मेरे से इस्तीफा मांगेगी तो दे दूंगा, तो क्यों नहीं मांग रहे फिर? पार्टी का इन्हें डर लग रहा है कि वहाँ पे 2-3 सीट कम ना हो जाए। अच्छा। इनका सारा हिंदू राष्ट्र सत्ता तक है, सत्ता बनी रहनी चाहिए बस, सत्ता है तो ये चलते रहेंगे। लेकिन महिला सुरक्षा महिला सशक्तिकरण की बात, डायलॉग बाजी इसमें कोई नहीं जीत सकता, चुनावी जुमला है, संघी होते डायलॉग बाजी में कोई नहीं जीत सकता। आपका हो तो एक बताऊंगा आपको, महान हिंदू राष्ट्र देश की परम वैभव देश का महान गौरव, दुनिया ऐसे ऐसे डायलॉग है कि सामने वाला डर के चुप हो जाएगा। और तमाम देश बेच के खा गए और देश अभी राम माधव जी का हिंदू सुनो ना, कश्मीर में ना राम माधव जी का नाम आया 300 करोड़ की चिंता कर रहे थे वो, ये वो इतने महान लोग हैं ये। हरियाणा की सरकार तो जिक्र करा मैंने, पूरा मंत्रिमंडल आशीर्वाद लेने गया था किन से, महान संत राम रहीम जी। अच्छा। नारी शक्ति के सशक्तिकरण के पुरोधा, चरित्रवान और दूसरे चरित्रवान हमारे आसाराम, सब आशीर्वाद लेने जाते थे वहाँ पर इनके। हाँ। तो ये खेल है इनका। आप अंदर तक रह चुके हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता रह चुके हैं, यही जानना चाहेंगे क्या लग रहा है फिर कार्यवाही हो पाएगी यहाँ पर जिस प्रकार से सांसद पर बार बार बहुत मुश्किल है, ये कहाँ तक जा सकते हैं पूछो मत। जब इनको लगेगा बिल्कुल ही सिर से गुजर रहा है तो हो सकता है कि खबर आए कि मोदी जी तो बहुत गहरे चिंतन कर रहे थे और अब मोदी जी ने सबको फटकार दिया कि क्या हो रहा है, और फिर ये मोदी जी का श्रेय लेते हुए कि वो उसकी गिरफ्तारी हो गई। अभी तक मोदी जी कुछ ध्यान नहीं दिया है, अभी तक ध्यान नहीं दिया है। तो गिरफ्तारी कब तक हो सकती है? नहीं मुझे क्या पता है, अनुमान मुझसे याद आप जानती होंगी। हाँ। आप पत्रकार हैं। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब इनको लगेगा सिर से ऊपर, अरे जैसे किसान आंदोलन में हुआ था ना, साल भर तक किसान आंदोलन चला, किसान कानून बहुत अच्छे हैं, और जिस दिन वापसी लेना हुआ उस दिन मास्टर स्ट्रोक, वो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। ये भी तो बोले ना कि किसान आंदोलन और शाहीनबाग में जो ताकतें थी वो यहाँ आ रही है, मतलब इस धरने को ही पूरा आंदोलन को ही पूरा खराब की एक तरफ ले जाया जा रहा है। यही खेल है, चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का एक कहावत है। ये किसान कानून लाए वो बहुत शानदार था, अरे इन्होंने वापस लिया वो बहुत मास्टर स्ट्रोक था। आज सब चल रहा है चुप है सब, और जिस दिन अगर ये इन्हें गिरफ्तार करना पड़ गया, वाह मोदी जी ने नारियों के सम्मान में, और फिर तो कोर्ट का गली गली जुलूस निकालेंगे, एक जुलूस निकालने को तैयार बैठे रहते हैं ये। लेकिन जनता तो समझ गई है ना, जनता को समझ, मुझे डर है समझ, जनता नहीं समझ, बड़ी मूर्ख जनता है, मुझे माफ पीटना मत भाई, मुझे पीटना मत लोगों को, हाँ लेकिन जनता के मामले में यही है, बड़ी मूर्ख जनता है। आप लोग सब साथ खड़े हैं ना आखिरी दिन तक, जी जान से नाम लिए जगत प्रकाश गर्ग फ्रॉम गाजियाबाद, कोई डरने की वो नहीं है, जगत प्रकाश गर्ग फ्रॉम गाजियाबाद, आरएसएस से गहरे तक जुड़ा रहे हूँ, बता दूँ मैंने बताया नहीं, मालिक है महिलाओं के इसलिए भी आए ये। हाँ। मैं इनका साथी हूँ तो हम लोग आए। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं हिंदू की बात करा रहा हूँ, अब ये बोलते हैं ना हिंदू हिंदू, ये महिलाएं क्या है इसमें, कौन कितने मुस्लिम है बताइए, इसमें कोई मुस्लिम है क्या? जात जो भी है, जात तो पहले तो धर्म की बात करते थे, अब ये जात की बात करने लगे, ये सब चीज की बात करेंगे इनको, एक ही हमारे जो मोदी जी का डिग्री जानते हैं किस चीज में है, एमए इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस है, इंटायर को आपने यदि कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा हिंदुस्तान में कोई भी सब्जेक्ट के आगे इंटायर देखा है। अच्छा, आप डिग्री को फेक बता रहे हैं। इनके डिग्री के ऊपर जो है गुजरात यूनिवर्सिटी में देखो वी के जो वेक्टर के जगह पर बी फॉर बॉम्बे लिखा हुआ है, देखा है इनका जो डिग्री मार्केट जिस दिन वो डिग्री क्यों मांग रहे, विकास पे बात कीजिए ना, विकास कर रहे हैं, विकास
आपने एफिडेविट दिया, मैं कह रहा हूँ ठीक है कब भी कह दिया, आप विकास पर देते हैं, आप एफिडेविट में नहीं लिखते एम ए पास, तो भाई जरूर आपने एफिडेविट में लिखा ना कि महिला पहलवानों की बात है। हाँ महिला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।